आचार्य शंकर सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक, अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता और सांस्कृतिक एकता के देवदूत थे। घोर निशा के अंधकारमय आकाश को आलोकित करने वाले प्रकाश पुंज, जिन्होंने सनातन धर्म संस्कृति में प्राण फूंक कर चिरकाल के लिए भारतीय चेतना की महान धरा को प्रवाहपूर्ण बनाते हुए एक शाश्वत प्रकाश अमृत भारत की सनातन संतानों के संकटों से भरे मार्गों को दिया। उनका जीवन दर्शन आज सारे संसार को अनुप्राणित कर रहा है। आचार्य शंकर के जीवन दर्शन का लोकव्यापीकरण करने के लिए आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन लगातार कार्यरत है। इसी क्रम में न्यास द्वारा युवाओं को अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के लिए अद्वैत जागरण शिविर का आयोजन किया जाता है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना हुई है आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के लोकव्यापीकरण के लिए, और इसलिए अद्वैत वेदांत के दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सभी आयु वर्गों में हर क्षेत्र के लोगों में पहुंचाने के लिए एक इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। और इसी श्रृंखला में ये अद्वैत जागरण शिविर ऐसी संकल्पना प्रारंभ हुई जिसके माध्यम से युवाओं के बीच में, भारतवर्ष के, दुनिया भर के ऐसे चयनित ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से चयनित युवाओं के बीच में अद्वैत वेदांत दर्शन को पहुंचाने के लिए ये शिविर आयोजित किए जाते हैं। राजकोट में 12 सितंबर से 18 सितंबर तक आयोजित सप्त दिवसीय अद्वैत जागरण शिविर में मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के 25 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। शहर के कोलाहल से दूर शांतिमय वातावरण में हरितिमा की चादर ओढ़े आश्रम के रमणीय परिवेश में गुरुमुख से निकली ज्ञान गंगा ने आत्मा के स्वरूप अंतर्यामी ईश्वर एवं जगत प्रपंच तथा जीव जगत जगदीश विषयक जिज्ञासाओं का रहस्योद्घाटन किया। सरलता के साथ जीवन के जटिल प्रश्नों की व्याख्या एवं तत्व बोध का अध्यापन पूज्य स्वामी श्री परमात्मानंद सरस्वती जी ने किया। वेदांत आचार्य शंकर का एक ऐसा विशिष्ट मत है जिसने पूरे भारत के एक समग्र विचार को अपने अंदर एकाग्रत करने का कार्य किया था, तो उसे और जानने का मेरा एक प्रयास था। आचार्य शंकर न्यास के कारण मुझे इसे समझने का, इसे जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ, और इसलिए इस शिविर का मैं आभारी हूँ। जो धर्म की मुझे डेफिनेशन लगती थी कि धर्म भक्ति से होता है, भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे यह यहाँ पर जो मैंने सीखा है वो बहुत अलग है। मैंने सीखा कि धर्म ये नहीं होता कि आप भक्ति करें, योग करें, ये करें, वो करें, लेकिन धर्म आपका कर्म होता है। आपको आप जो आप कर्म करते हैं वही आपका धर्म बन जाता है। मैंने यहाँ पर यह सीखा, और जो भी स्वामी जी ने बातें बताई हैं वह मुझे इतने संक्षिप्त में समझ में आई है, इतने अच्छे से समझ में आई है कि मैं उसका अपने उसे उन्हें अपने जीवन में उतारूँगी। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करना सभी प्रतिभागियों के लिए एक विलक्षण अनुभव रहा। तो अभी एक घटना हुई थी, जैसे अभी तीव्र अति वर्षा होने के कारण यहाँ पे स्थान जलमग्न हो चुका था, तो सभी की एकमत विचारता और कार्यकुशलता के रहते हुए बहुत ही कम समय में परिवर्तनशील परिस्थिति को हमने तुरंत पुनः ठीक करा, और एक कम समय में ही अधिक परिणाम हमने प्राप्त किया। गुरुजनों के मार्गदर्शन में गीता पाठ किया। अंतिम दिन सारे शिविरार्थियों ने सोमनाथ एवं द्वारिकापुरी का भ्रमण किया। जो विजिट हम लोग ने करी कल द्वारिका और सोमनाथ, वो विजिट ऐसी थी कि जो अनुभव बिल्कुल, मतलब 6 दिन हमने पढ़ाई करी, वो 6 दिन को में जो पढ़ा हमने उसको आत्मसात हमने उन 2 दिनों में यात्रा के दौरान कर लिया। शिविर का समापन गुरु पूजन, अनुभव कथन व स्वामी जी के आशीर्वचन के साथ हुआ। सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने अनुभव व्यक्त किए। सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन, और विशेषतः उसके मुखिया
भैया शिवराज सिंह जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी भैया व्यक्तिगत रस लेते हैं कि मुझे, मैं शंकर भगवतपाद शंकराचार्य का सेवक हूँ, ऐसा करके उनको गौरव होता था, परंपरा के पति। तो इसका प्रस्थापित करने का जो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है वो तो सरकार ही कर सकती है। ओमकारेश्वर में 100 फुट लंबी प्रतिमा का प्रस्थापन, वहाँ म्यूजियम और ऐसी शिविर आयोजन करना, तो ये बड़ा अच्छा कार्य है। 7 दिन के शिविर है ताकि वैदिक दर्शन युवाओं को मिले, उनको जीवन की विद्या मिले, ठीक तरह से धर्म को समझ सके, तो ऐसे कई कन्फ्यूजन बच्चों के मन में दूर हो और वो भगवतपाद शंकराचार्य जी का संदेश पूरे भारत में ले जाने के लिए एक स्वयंसेवक की तरह, धर्म प्रवर्तक, धर्म रक्षक, धर्म पालक कह सकते हैं। भोपाल पहुंचने पर संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला ने सभी शिवरार्थियों को बधाई दी, उनके अनुभवों को सुना और अद्वैत के प्रचार प्रसार के लिए आह्वान किया। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः।